प्रदीप जी, थैंक्स थैंक मिस्टर प्रदीप जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड वेरी गुड। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने इस लाइव क्लास के माध्यम से आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी पाठकों के लिए मैं एक बहुत यूजफुल और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आ जाया हूं। जी 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 यशु सिंह, प्रदीप जी गुड इवनिंग, आशा जी गुड इवनिंग, जी विशाल मिश्रा जी गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, आज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा आज का, क्योंकि आज हम लोग एक नई चीज सीखने वाले हैं। जी जी थैंक्स, जी जी भैया बहुत बढ़िया, विशाल मिश्रा जी, अभिषेक सिंह गुड इवनिंग, जी क्यूट बेबी गुड इवनिंग, वेरी गुड। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, गुड इवनिंग, ढेर सारी बधाइयाँ। प्रदीप जी साइमल वेरी गुड। सभी साथियों को अपने साथ हम बिल्कुल क्यूट बॉय, थैंक्स डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। ब्रजेश द्विवेदी जी गुड इवनिंग, जी रोहित पाल गुड इवनिंग बेटा, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जी जी प्रदीप जी गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, सभी साथियों को इस लाइव क्लास के माध्यम से ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाओं के साथ आज की इस सायंकालीन लाइव क्लास की बेला को हम प्रारंभ करते हैं आप लोगों के सहयोग के साथ, इस आशा और विश्वास के साथ कि बिल्कुल आप लोग एक्टिव होंगे, पेन कॉपी के साथ अटेंटिव होंगे, अपने साथ जो भी जिसके साथ ग्रुप मित्र हैं सभी लोगों को आप बिल्कुल शेयर कर चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए मैं चाहूँगा, एक गुजारिश है मेरी कि आप सभी साथियों से मैं आग्रह करूँगा कि आप लोग सिर्फ पढ़ने में एंजॉय कीजिए, पढ़ के मैटर को देखिए, अनावश्यक डिस्कस में जो भी जिसको जो करना है करने दीजिए, आप लोग सी योर सेल्फ नॉट टू अदर्स। फ्रेंड्स, ये आपका सिद्धांत होना चाहिए, ये आपका मोटो होना चाहिए। जी विकास सिंह गुड इवनिंग, जी संजू भाई गुड इवनिंग, वेरी गुड, थैंक्स। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइव क्लास के माध्यम से हम आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं और साथ ही साथ आपके लिए एक बहुत यूजफुल और इम्पॉर्टेंट वीडियो प्रस्तुत करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपेक्षा और आशा करूँगा कि आप सभी लोग पेन कॉपी के साथ तैयार हो चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा कल का रिविजन, इसके बाद हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाएंगे, इसलिए भी जो हमारे साथी जुड़ चुके हैं या जिनके जो ग्रुप में हैं उनको जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग आ जाएं, क्योंकि बहुत यूजफुल टाइम और एक वीडियो होने जा रही है। जी जी थैंक्स थैंक्स मोहम्मद जी, बिल्कुल बिल्कुल गुड इवनिंग आर्यन जी, जी थैंक्स। सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। अशोक जी गुड इवनिंग, प्रतीक मिस्टर प्रतीक जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सभी साथियों को इस सायंकालीन लाइव क्लास के माध्यम से हम बधाइयां देते हुए धन्यवाद देंगे और अपेक्षा करेंगे कि बिल्कुल आप सब लोग तैयार हो जाएं, बिना बात कोई भी बात नहीं करेंगे आपस में, अन्यथा देखिए फिर मुझे मजबूर होकर एक्शन लेना होगा। सभी साथियों से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग पढ़िए, पढ़ने का उपयोग कीजिए, पढ़ाई का उपयोग कीजिए, लेकिन अनावश्यक डिस्कस में अपने टाइम को और मेरे टाइम को बर्बाद न कीजिए। जी थैंक्स, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आर्यन सिंह गुड इवनिंग, मनीष जायसवाल गुड इवनिंग बेटा, थैंक्स। जी जी
विनय ब्रांड गुड इवनिंग, मनोज मिश्रा जी गुड इवनिंग, बिल्कुल बेटा विनय ब्रांड एक्टिव हो जाओ बेटा, बिल्कुल रेडी जी जी बी मिश्रा जी थैंक्स। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके पहले कि हम प्रारंभ करें, एक बार पुनः इस सायंकालीन लाइव क्लास के माध्यम से आप सभी पाठकों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, और इस सायंकालीन बेला में पढ़ने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं प्रारंभ करता हूँ आज का लेक्चर। फ्रेंड्स आशा और विश्वास मैं यही करूंगा कि आप लोग ग्रुप डिस्कस नहीं करेंगे, चुपचाप शांति के साथ पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स कल मेरा टॉपिक जो था इम्पोर्टेंट टॉपिक था, उसी टॉपिक का थोड़ा सा मैं रिवीजन करवाऊंगा। आज आप लोग जल्दी जल्दी ट्रांसलेट कीजिए और उत्तर देना शुरू कीजिए जी। थैंक्स, गुड इवनिंग। मैं देखिए कल के टॉपिक में सबसे पहले आज चर्चा करूंगा आपको इंट्रोडक्टरी देयर की। इंट्रोडक्टरी देयर जो साथी कल छूट गए थे, कुछ हमारे नए मित्रगण हैं, कुछ नए छात्र हैं, उनका विशेष अनुरोध है सर थोड़ा सा कल का रिवीजन करा दीजिए, कुछ कंफ्यूजन था। तो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा जोड़ता हूँ इंट्रोडक्टरी देयर से। तो फ्रेंड्स क्यों जी कुछ नहीं है, इंट्रोडक्टरी देयर का यूज हम करते हैं जल यादव के नीचे थे मालूम है मेरे कार्य में कहाँ माँ को जल्दी को पूछो, वही खिड़की के पास है। तो फ्रेंड्स इंट्रोडक्टरी देयर की बात हम करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी देयर बिना कुछ समझे बुझे आप केवल ये समझिए कि जहां पर वाक्य का कर्ता स्पष्ट न हो वहीं पर हम लगा देंगे देयर का प्रयोग। कल मैंने उदाहरण आपको दिया था, एक बात लिखिए आप, मेरे हाथ में एक घड़ी है, मेरे हाथ में एक घड़ी है, तुरंत जल्दी जल्दी फटाफट बनाइए। तो फ्रेंड्स देयर से हम शुरू करेंगे। आपको मालूम है जी तिवारी जी गुड इवनिंग, रिवानी तिवारी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सो सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग आज इस सायंकालीन बेला में जी जी बिल्कुल। तो फ्रेंड्स जहां पर वाक्यों में सब्जेक्ट का पूरी तरह से अभाव हो वहीं पर आपको यूज करना है देयर। मैं जैसा कि आपसे वादा किया था, मैं पीस पढ़ाने की तैयारी में हूँ, पीस आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पीस को जोड़ने के लिए मैं आज से पीस स्टार्ट करता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप लोग नोट करें मेरे एक बात, मैं शुरू करता हूँ यहीं से, मेरे हाथ में एक घड़ी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मेरे हाथ में, मैंने बताया था कि मेरे हाथ में जो पोर्शन होता है मैं वाले भाग को आप लास्ट में जोड़ेंगे और बचा वाक्य क्या एक घड़ी है, तो आप सीधे लिखेंगे There is a watch. There is a watch. जी 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 राज भाई थैंक्स, गुड इवनिंग। बोलो कहाँ गया जो अलमारी उसी रखी है यार, जी जी राज जी सूरज जायसवाल जी बिल्कुल बिल्कुल, जय माता दी जय माता जी। सभी साथियों को भाई जय माता जी, बिल्कुल अब आप लोग एक्टिव हो जाइए। तो फ्रेंड चर्चा हो रही थी कि मेरे हाथ में जो मैं वाला भाग है उसको आप समाप्त कर देंगे, बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, आपको लिखना है एक घड़ी है, तो आप लिखेंगे देयर इज अ वॉच, मेरे हाथ में, इन माई हैंड, क्योंकि हाथ के अंदर है, हाथ का एक निश्चित अपना रेंज है, लिमिटेशन है, तो आप फ्रेंड्स आप लिखेंगे इन माय हैंड देयर इज ए वॉच। और जी जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा लिखिए जी,
मैं आपको स्टार्ट करता हूं फ्रेंड्स, जंगल में एक शेर है। जंगल में एक शेर है, अब यहां पर आपको क्या करना है, जंगल में एक शेर है फ्रेंड्स, छोड़िए रख दो, अब देख रहे हैं जंगल में, तो आप लिखेंगे जंगल में पूरे भाग को, में वाले भाग को आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे और लिखना है आपको एक शेर है, तो आप सीधे लिखेंगे देयर इज अ लायन। यह ट्रेंड्स होता कि एक शेर था तो आप लिखते देयर वाज ए लायन, अब जंगल में के लिए लास्ट में आप जोड़ देंगे ऑब्जेक्ट के लिए इन द जंगल, या तो आप लिखेंगे इन द फॉरेस्ट। जी बिल्कुल कुछ भी लिख सकते हैं जी। करण शुक्ला जी गुड इवनिंग, कहाँ थे शुक्ला जी अभी तक। लालजी सिंह वेरी गुड। अब आपको देखना है कि हमको देयर वाले भाग से स्टार्ट करना है, कल की प्रैक्टिस है फ्रेंड्स, जहां पर सब्जेक्ट नहीं होगा वहीं आपको लिखना है देयर इज ए लायन इन द जंगल, जंगल में एक शेर था, जंगल में दो शेर थे तो देयर बेयर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि देयर फ्रेंड्स एक ऐसा यूज है, इसके साथ आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, इज वाज वेयर शुड बी आदि का प्रयोग आपको पढ़ाऊंगा, और वुड बी, आप देख रहे हैं कि इनके साथ किसी के साथ भी देयर एक ऐसा सीधा साधा वर्ड है कि इसका यूज आप बहुत ही इजली किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चाहे आप सिंगुलर के साथ यूज करें और चाहे तो प्लूरल के साथ, कहने का मेरा आशय सिर्फ यह है कि देयर के साथ आप वाक्य के भाव के अनुसार सिंगुलर नंबर में भी इसका यूज होता है और प्लूरल में भी इसका यूज होना है, तो आप लिखेंगे देखिए देयर इज, अब इसके बाद आपको सब्जेक्ट से जोड़ देना है, मैं कह रहा हूं एक झोला है तो आप लिखेंगे देयर इज अ बैग, अब झोला कहाँ है उसका लोकेशन लिखने के लिए आपको लिखना होगा आगे कि देयर इज बैग इन माई रूम, समझ रहे ना, इन माई बेड, देयर इज बैग इन माई साइकिल, तो फ्रेंड्स लोकेशन आप आगे जो भी होगा उसको लिख देंगे, तो देयर का प्रयोग आप देख रहे हैं इज के साथ किया गया, देयर इज अ बैग, इसी तरह से देयर वॉज अ डॉग, वहां एक कुत्ता था, देयर वेयर टू फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, देयर वेयर टू फ्रेंड्स इन माई क्लास, मेरे कक्षा में दो घनिष्ठ मित्र थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो बहुत फास्ट फ्रेंड थे, तो यहां पर आपको मैं सिचुएशन से जोड़ना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं वेयर का यूज किस तरह से हो रहा है, तो इज वाज वेयर, इसी तरह फ्रेंड शुड बी और वुड बी का यूज होता है, शुड बी का प्रयोग कहां होगा, जहां पर संभावनाओं की बात हो, देयर शुड बी ए डॉग इन माई विलेज, मेरे गांव में एक कुत्ता होना चाहिए, मतलब मैं उम्मीद करता हूं पहले कुत्ता था और वर्तमान समय उस कुत्ते को भी होना चाहिए, भी मरा नहीं होगा नहीं कहीं गया होगा, तो देयर शुड बी ए डॉग, वहां एक कुत्ता होना चाहिए इन माई विलेज, मेरे गांव में, आप जानते हैं कि शुड और वुड ये दोनों का यूज फ्यूचर के पास्ट रूप में होता है, इसलिए यहां पर आपको घबराना नहीं है, इनके साथ कुछ के लिए आई वी के साथ आप शुड लिखेंगे, लेकिन यहां पर बिना कुछ किए हुए आपको विदाउट हेजिटेशन बिना किसी समस्या के आपको सीधे शुड बी और वुड बी का यूज लिख देना है, देयर शुड बी, देयर वुड बी, संभावित क्वेश्चनों के लिए, संभावित मौसम के लिए भी आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जी धीरज जी गुड इवनिंग, तो बड़ा इस ढंग से आप देख रहे हैं कि जहां पर सब्जेक्ट का पूरी तरह से अभाव हो वहां आप देयर का यूज करेंगे, बात समझ पा रही है,
आप सभी लोगों की बात समझ में आ रही भाई, ये हमने कब भी बताया था, आज उसी का 60 में रिविजन किया। आइए थोड़ा समय आपको समय सूचक वाक्यों के बारे में कुछ बताता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो मुख्य रूप से देने वाला हूं वह है घड़ी में टाइम देके आप कैसे बताएंगे कि मेरे घड़ी में कितना बजा है। प्रायः हमें बोलना होता है कि अभी मेरे घड़ी में 7 बजे हैं, 7:30 हो रहे हैं, 7:45 हो रहे हैं, 7:05 हो रहे हैं। तो आज का फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं आपको टाइम देख करके घड़ी कि आपके घड़ी में कितने बजे हैं, व्हाट इज टाइम इन योर वॉच, अगर किसी ने आपसे पूछा तो आप हाउ टू एक्सप्लेन, हाउ टू टेल द टाइम, आपको समय कैसे बताना है ये मैं सिखाऊंगा। इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग ग्रुप डिस्कशन न लगे, वीडियो को पूरी तरह से सेंट्रलाइज होके पढ़ने का प्रयास करें ताकि आपको कुछ मिले। आपने अपना अमूल्य समय देने का निर्णय किया है, तो फ्रेंड्स मैंने भी निर्णय किया है कि यदि आप अपने साथ, अपने मित्रों के साथ, मेरे साथ आप जुड़े हैं तो आपको भी कुछ मिलना चाहिए। यदि आपने टाइम दिया तो मैं भी आपको कुछ देने का वादा करता हूं, लेकिन जब आप मेरे कंधे से कंधे मिला के चलोगे तो फ्रेंड्स बिना देर किए हुए आइए पुनः हम आपको जोड़ते हैं टॉपिक से और स्टार्ट करते हैं यह क्रम। तो फ्रेंड्स बात हो रही थी देर की, संभवतः आप लोग देर का यूज, मेरे जेब में 2 रुपए हैं, मेरे जेब में 2 बिस्कुट हैं। तो इस ढंग से फ्रेंड्स आप जानते हैं मेरे घर में 4 भाई हैं, तो आप इस तरह के वाक्यों का अनुवाद कर लेंगे। देर का प्रयोग बेहिचक बिना रुके हुए अब आप कर सकते हैं। आई थिंक थोड़ा सा आप मेरे साथ इट का प्रयोग देख लीजिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैं शुरू करता हूं अपना टॉपिक। बिना टॉपिक को समाप्त किए मैं छोड़ूंगा नहीं, ये वादा है। इसलिए आप लोग जुड़े रहें, अंत तक जरूर रहिएगा ताकि घड़ी देख के आपको समय बताने का पूरी तरह से आज मैटर मिल जाए कि कैसे हम घड़ी देख के टेल टाइम करेंगे। तो फ्रेंड्स ईट की बात मैंने किया था कल, आपको मालूम है कि ईट का प्रयोग होता कैसे। आप सामान्य रूप में जानते हैं कि ईट माने यह, लेकिन फ्रेंड्स ईट का प्रयोग केवल यह के लिए नहीं होता। ईट का प्रयोग मोस्टली हम करते हैं समय बताने के लिए। आपके पास मैंने अभी पहले ही कहा घड़ी में टाइम बताने के लिए आप ईट का यूज करेंगे। कितना बजा है तो आप ईट से शुरू करेंगे, इट इज 4 o'clock, इट इज 4 o'clock, 4 बजे हैं, बाई माई वॉच। आप इन माई वॉच नहीं लिखेंगे, मेरे घड़ी में 4 बजे हैं। तो फ्रेंड्स पहला आप यही जान लीजिए, आपको शुरू हो गया नई चीज मिलना। पहली चीज के लिए आप क्या लिखेंगे, बाई माई वॉच लिखेंगे। जी 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 भाई, जो आयश मोहम्मद जी हैं, हम चाहेंगे कि आप बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ने का आनंद जुआ करो बेटा, अनावश्यक बातों में डिस्कस मत कीजिए प्लीज। मोहम्मद साहब मैं गुजारिश करूंगा कि आप पेन कॉपी के साथ एक्टिव हो जाइए, लिखने पढ़ने में अगर मन लगता है तो आप उसको पढ़िए, नोट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप 4 किताब पलटोगे तो भी मिल पाना मुश्किल है। इसलिए बिल्कुल मैं जी अशोक जी गुड इवनिंग थैंक्स। फ्रेंड्स इट इज 4 o'clock, 4 बजे हैं। इसी तरह से 7 o'clock, इट इज 8 o'clock, 9 o'clock, जो भी कहना आपको कह लेंगे। इट का प्रयोग पहली चीज समय के लिए, मैंने दूसरी चीज बताया था इट का प्रयोग समय के लिए। दूसरा क्या आपको दिया था याद है, दिनों के नाम के लिए, दिनों को बताने के लिए, या दिनों के नाम के साथ। दिनों के नाम कैसे भैया, दिनों का नाम फ्रेंड्स कोई भी दिन हो, दिनों के नाम के लिए आपको देखना है इट से हम कैसे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स यदि मैं कहूं आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो फ्रेंड्स एक चीज आपको मैं बता दूं, शायद आप जानते भी होंगे, मैंने अपने कोचिंग के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म किया है, क्लास के माध्यम से जो लोग मेरे क्लास में जुड़े हुए हैं मैं उनको भी इंडिकेट कर चुका हूं। तो फ्रेंड्स कभी भी टुडे, यस्टरडे और टुमारो को ध्यान दीजिएगा,
टुडे स्टडी और टुमारो को कभी सब्जेक्ट नहीं माना जाता। बहुत से हमारे साथी जिनको ग्रामर का ठीक से ज्ञान नहीं है तो लिख देते हैं आज सोमवार है तो आप लिखेंगे टुडे इज मंडे, टुडे इज संडे, टुडे इज ट्यूजडे, टुडे इज एक्स वाई जेड, कोई भी दिन। तो फ्रेंड्स इस ढंग से करेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, टुडे स्टडे और टुमारो को कभी भी आप आज सब्जेक्ट नहीं यूज करेंगे। इसका ऐसे बातों में दिनों के साथ आप देख रहे हैं, समय के साथ अभी आपने देखा, दिनों के साथ भी आपको लिखना है इट इज। अब जो भी आपको कहना है संडे से संडे टू सैटरडे, सोमवार है इट इज संडे, इट इज मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, इटीसी, और आज है तो आप टुडे, इट इज संडे टुडे, कल सोमवार होगा तो इट विल बी संडे टुमारो, समझ रहे हैं। तो लेकिन फ्रेंड्स आप शुरू इट से ही करेंगे दिनों का नाम अगर बताना है तो। इसी तरह से महीनों के नाम में जनवरी है, यह जनवरी है फ्रेंड्स, यहां पर महीना सब नहीं लिखा हुआ है, केवल लिख रहा है यह जनवरी है। देखिए पुनः मैं आप लोगों को जोड़ूंगा कि आप लोग बिल्कुल शांत रहो, कोई किसी का कमेंट नहीं पड़ेगा, सिर्फ सी और सिर्फ नॉट टू अदर्स, आपको सिर्फ अपने को देखना है कौन क्या कर रहा है। देखिए दो मैं आपको थोड़ा सा जोड़ दूं, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए सभी लोग, एक तो कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि यार मैं चल रहा हूं, अपना समय दे रहा हूं, डाटा खर्च कर रहा हूं, तो मनोरंजन के लिए मैं नहीं आया हूं, कुछ ना कुछ मैं चल के सीखूंगा। दूसरे ऐसे लोग जिनको कि आप समय नहीं बीत रहा है, चलो कुछ नए लोग मिलेंगे उनके साथ बैठ के हम चैटिंग करेंगे। तो जो अच्छे स्कॉलर हो, जो विद्वान साथी हैं जिनको भविष्य में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग नो कमेंट नो चैटिंग, मुझे दिखाओ नहीं कि मैं टाइप कर लेता हूं। मैं बार बार आपसे कहा कि टाइपिंग करना चैटिंग करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आज के जितने आवारा टाइप के लोग हैं ना वो बहुत स्पीड लिखते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा सभी लोगों से, करबद्ध निवेदन है साथियों कि आप दिखाने का प्रयास मत करो कि मैं टाइपिंग करता हूं, क्या जरूरत है लिखने की, मत दिखाओ, कोई गुड इवनिंग जरूरत नहीं है। अगर आपके पास शिष्टाचार संस्कार है तो पढ़ने के लिए उसका उपयोग करो, चाहे कोई भी हो जिनको पढ़ना। देखिए बहुत प्रेम से कर रहा हूं अभी, मेरा नेचर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है बच्चों, जो नए साथी जुड़े हुए हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा, जो पुराने साथी हैं वो जानते हैं कि मैं नोटिफिकेशन बंद कर दूंगा तो आपका सारा मैसेज खत्म हो जाएगा, आप जुड़ नहीं पाओगे। इसलिए अगर आपको पढ़ना है तो सीधे चुपचाप पढ़ो, कोई लिखो की जरूरत नहीं है, केवल पढ़िए बंद करो चले हट जाओ, अन्यथा फालतू क्रेडिट खराब हो जाएगा, भी इंसल्ट हो जाओगे, बाद में कहोगे सर सब डांटते हैं। इसलिए सभी साथियों तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो, जिनको वीडियो दिखाई में देता हो क्वालिटी बढ़ा के 360 या 720 पर कर लें, जिनके समझ में नहीं आता मुझसे आप पूछो, मैं फिर आपको बताऊंगा। लेकिन अनावश्यक डिस्कस करने पे भाई मुझे बुरा लगेगा और हो सकता है कि इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े। इसलिए कौन क्या लिख रहा है, जिसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है, पढ़ना लिखना नहीं है, जो लोग केवल मौज लेने के लिए आ रहे हैं बैठे हैं तो उनको बैठने दो, क्या फर्क पड़ता है। और जिनको पढ़ने का उद्देश्य है वो पेन कॉपी के साथ तैयार रहो, अनावश्यक डिस्कस मत करो, बिल्कुल कोई बोलेगा नहीं जी अब, अन्यथा और विनय ब्रांड कहाँ हो, मेरी अगर आवाज तुम तक बेटा पहुंच रही हो तो मैं निवेदन करूंगा नहीं, हम आगे डाट 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 कर पिटाई भी करेंगे, समझ लो। विनय ब्रांड जहां भी हो कुछ मत लिखो, केवल पढ़ो पेन कॉपी के साथ, नोट को अटेंटिव हो जाओ, क्यों चुपचाप पढ़ो, अन्यथा डिस्टर्ब करोगे तो दिक्कत हो जाएगी सभी लोगों से, आप दोबारा मुझे कहलाना पड़े, अन्यथा आप सीधे बंद कर दो, अन्यथा आप बेइज्जत हो जाओगे। चलिए तो यह जनवरी है, यह आपको कहना है, तो अगर यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि जनवरी का महीना है, फिर फ्रेंड जनवरी है मीन्स ये आपकी कॉमन सेंस की बात है कि जनवरी है तो एक महीना है, तो इसलिए अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो आप सीधे लिखेंगे इट इज मंथ
ऑफ जनवरी। यदि आप करेंगे इट इज जनवरी तो भी सही है, इट इज जनवरी वो भी सही है, इट इज फरवरी मार्च अप्रैल दैट्स ओके। लेकिन अगर बेहतरीन स्टाइल में आप बोलना चाहते हैं तो आप लिखेंगे इट इज मंथ ऑफ जनवरी। तो फ्रेंड्स इट का प्रयोग आप देख रहे हैं समय के साथ, दिनों के साथ, महीनों के साथ, मौसम के साथ, और पानी तेजी से बरत रहा है। इट इज रेनिंग हैविली, इट का प्रयोग आप करते हैं इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग हैविली, जोरों से वर्षा हो रही है। फ्रेंड्स जोरों से वर्षा के लिए हैविली शब्द होता है। ओले पड़ रहे हैं, इट इज हेलिंग, हेल मीन्स ओले पड़ना, आज ओले पड़ रहे हैं, इट इज हेलिंग टूडे। तो फ्रेंड्स मेरे कहने कहा से आप समझ गए होंगे, जहां पर ऐसी सिचुएशन बने, दिन महीना समय ऋतु मौसम, आज बहुत गर्मी है इट इज वेरी हॉट टूडे, आज बहुत सर्दी है इट इज वेरी कोल्ड टूडे, बिल्कुल ठीक है सब लोग बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए जो अच्छे बच्चे हैं वो पढ़ ले रहे हैं, पढ़ने का इंजॉय ले रहे हैं। एक मुझे संस्कृत में श्लोक सुनाने का मन कर रहा है, अगर इजाजत हो तो सुना दूं। संस्कृत में एक श्लोक है, अब नहीं कहूंगा ठीक है, इंग्लिश की क्लास है इसलिए संस्कृत से मैं आपको नहीं जोड़ूंगा, लेकिन निवेदन करूंगा कि अब संस्कृत का श्लोक मुझे पढ़ना न पड़े। आप विद्वता का परिचय दीजिए, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आईली गली इंग्लिश इस धर्मेंद्र की इस इंग्लिश लुच्चे लफंगों के लिए नहीं है, ये केवल पढ़े लिखे टैलेंट लोगों के लिए है। 25 किताब खोलोगे तो कहीं आपको 25 किताबों में भी पूरे बटन नहीं मिल पाएंगे, मेरा चैलेंज है। इसलिए सभी साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप विद्वता का परिचय दीजिए, अगर मेरे साथ जुड़ना है तो आवारागर्दी करोगे तो आप नुकसान हो जाओगे, क्रेडिट भी खराब हो जाएगी। तो चलिए आगे नेक्स्ट शुरू करते हैं, इट इज रेनिंग हैवली, इट इज मंडे टूडे, इट इज वेरी कोल्ड टूडे। तो फ्रेंड्स इस ढंग से हम इट का प्रयोग करते हैं। देखिए टाइम की बाध्यता हम लोगों की है, एक निश्चित समय है, इट और देयर का यूज आप लोगों ने देखा कि हम कैसे करते हैं इट और देयर का प्रयोग। अब यहां पर साथियों मैं थोड़ा सा आपको जोड़ूंगा सिर्फ इस आशय से कि बिल्कुल आप लोग अटेंटिव रहिए, एक्टिव हो जाइए, पुनः एक नई चीज के साथ नए मैटर को देखने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए मैटर क्या है, अब आपको मैं सिखाने वाला हूं एक ऐसी चीज। फ्रेंड्स 15 मिनट का समय भी आपका शेष है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो टाइमिंग से संबंधित होगी। जी 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 बेटा बहुत बढ़िया रिवानी, थैंक्स। अब आपको मैं सिखा रहा हूं टाइम, हाउ टू टेल द टाइम बाय योर वॉच, घड़ी के समय को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो। इसके लिए फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा आप मेरे साथ जुड़िए। सपोज कीजिए आप घड़ी आप देख रहे हैं, एक घड़ी है, आप चित्र पे ध्यान मत दीजिएगा, आप जो इसको घड़ी समझिए फ्रेंड्स, ये घड़ी होगी आपकी, ये घंटे वाली सुई हुई, ये मिनट वाली सुई है, सेकंड चल रही है, ये सब टाइमिंग है। अब यहां पर आपको दो कॉन्सेप्ट देखना है, एक कॉन्सेप्ट देखिए टू, टू का अर्थ होता है कम, और एक आप देखिए पास्ट, पास्ट माने आगे या तो बज कर। बहुत क्लियर मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप कभी भूलोगे नहीं। घड़ी आप देख रहे हैं, घड़ी में आप दो कॉन्सेप्ट समझिए, अगर आपको टाइम कम करना है तो आप लिखेंगे क्वार्टर सॉरी टू, और पास्ट के लिए लिखेंगे आगे या बज कर। यही आप नोट कीजिए, मीनिंग क्वार्टर, क्यू यू ए आर टी ई आर, क्वार्टर का अर्थ होता है सवा, सवा माने 15 मिनट। 15 मिनट कैसे होगा, आप जानते हैं कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो फ्रेंड्स 60 का आपको सवा माने चौथाई 1.4, 60 आप थोड़ा मैथ पढ़ा दो आपको, 60 इंटू 1/4
आप काटेंगे इसको तो हो जाएगा 15 मिनट, इसलिए फ्रेंड्स क्वार्टर मीन्स 15, जिसको हिंदी में कहते हैं सवा, 7:15 है, 4:15 है, 3:15 है, लेकिन घबराइए नहीं, मैं आपको जोड़ूंगा और बताऊंगा कैसे 7 बजे है। अभी 7 बजा रहा हूं मैं, लेकिन अभी आप अभी 8 ही बज रहे हैं, जब 8:15 बजेगा तब मैं बताऊंगा कि 8:15 कैसे बजता है, समझ रहे हैं ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बिल्कुल अटेंटिव है और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों के कमेंट बंद है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी साथियों को। तो फ्रेंड्स टू माने आप लिखेंगे कम, पास्ट माने आगे, क्वार्टर माने सवा और हाफ, हाफ मीन्स आधा, 1/2 अर्थात 30 मिनट। हाफ मीन्स 30 मिनट, 1/2 घंटे के संबंध में 60 मिनट का फ्रेंड्स घंटा होता है, तो अगर आपको हाफ करना है आधा घंटा तो आप 1/2, 60 का 1/2 माने 60 का आधा अर्थात 30 मिनट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। तो फ्रेंड्स ये समय देखने की आपकी शब्दावली है, और मैंने ऑलरेडी आपसे बताया कि इट का प्रयोग समय बताने के लिए हम सबसे पहले करेंगे। मेरे घड़ी में इन माई वॉच नहीं कहेंगे, आप लिखेंगे बाई माई वॉच, मेरे घड़ी के द्वारा, क्योंकि घड़ी में मैंने घड़ी द्वारा 4 बजा जा रहा, घड़ी आपको सकता है गड़बड़ हो, लेकिन भाई मेरे घड़ी में जो भी टाइम है मैं अपनी का टाइम बाई माई वॉच मेरे घड़ी के द्वारा 3 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। अब राइट टाइम आपकी घड़ी में क्या हो रहा मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरी कलाई में घड़ी बंधी हुई है फ्रेंड्स ये घड़ी इस समय 8 बजा रही है, इसलिए कहा था बाई माई वॉच इन माई वॉच नहीं। तो ये शब्दावली आपने देख लिया, शायद आप नोट कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं आइए जोड़ता हूं किस ढंग से आपको कहना है, आप इनको नोट कर लिए हो ना, तो ठीक है, आई थिंक यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट प्लानिंग जी। अब यहां पर आपको बहुत अटेंटिव होते हुए समझना है, देखना है कि वाक्यों को हिंदी में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर फ्रेंड्स कहना है अगर कि 8 बजे हैं, 8 बजे हैं, अब आप देखिए सबसे पहले आपको बताया गया कि आप समय को बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, यहां 8 बजे हैं, तो फ्रेंड्स देर का यूज भी हम कर सकते हैं, लेकिन देर का प्रयोग इसलिए उचित नहीं है क्योंकि समय बोधक वाक्यों में, समय सूचक वाक्यों में हम इट का प्रयोग करते हैं, ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया है, इसलिए आप देर नहीं लिखेंगे। तो आप क्या लिखोगे इट, अब आपको मालूम है कि ही सी इट एक वचन के सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होने के कारण आप इट के साथ क्या यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब इज, तो इट इज। और फ्रेंड्स 8 बजे हैं, बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है, इट इज 8 o'clock, इट इज 8 o'clock। अगर फ्रेंड्स मेरे घड़ी में तो आप लिखोगे बाई माई वॉच इन माई वॉच नहीं, बाई माई वॉच बेहतरीन ग्रामर का स्टाइल है, अगर आप कई किताबों में इन माई वॉच लिखे तो समझिए गलत लिखा है, इसलिए आप इन का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर आप बाई का यूज करेंगे। जहां पर मैंने प्रीपोजिशन पढ़ाया है तो आप बाई और इन दोनों के कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है, इसलिए आप लोग वहां देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे प्रीपोजिशन के चैप्टर को आप खोजेंगे तो डिटेल मिलेगा, इसलिए फ्रेंड्स यहां पर इन का प्रयोग नहीं सिर्फ बाई का प्रयोग करेंगे। इट इज 8 o'clock, 8 बज रहे हैं। और फ्रेंड्स चलिए मैं 8 के बाद आप बजा रहा हूं, पहले हम देखेंगे क्वार्टरली में 15 मिनट पर, 8 बजे के बाद हम कहते हैं 8:15 बजे, ध्यान समझिएगा भैया, फ्रेंड्स 8:15 बजे हैं। तो पहले तो आपको पता ही है कि आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार जो है हम सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या बहुत कमेंट आ रहे हैं अभी जी जी रिवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जुटे हो बेटा, समझिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी साथी को वीडियो ना दिख रही हो तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए।
अगर वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया फ्रेंड, तो सभी साथियों से निवेदन है कि लाइक कर लीजिए। और अगर हमारे कुछ साथी चैनल पर पहली बार आए हों तो आपसे भी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो भी आपको लाइक की स्टार्टिंग की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। इसलिए सभी अपने साथ जुड़ने वाले साथियों से मेरा आग्रह है, गुजारिश है कि आप सभी लोग अविलंब वीडियो को लाइक और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब अगर न किए हो तो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स पुनः आइए, हम आगे स्टार्ट करते हैं। 8:15 हैं, मैं उसी क्रम में पुनः चल रहा हूँ आगे की ओर। पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इट, इट के बाद इज। और फ्रेंड्स टाइम के संदर्भ में हम 8:00 हैं, सॉरी 8:15 हैं। हिंदी में आप जानते हैं कि भी हमने बताया कि 15 मिनट और 8:15 है, इसका मतलब होगा फ्रेंड्स कि 8:15 ये टाइम होगा, 8:15। तो आप एक चीज जान लें, जब हम हिंदी में बात करते हैं, पूरा ध्यान दीजिएगा, हिंदी टाइम की बात करेंगे तो हिंदी में पहले आपको आप बोलते हैं घंटा, इसके बाद मिनट। पहले कहेंगे 8:15 हो रहे हैं, अरे 8:10, पहले आप घंटा बोलेंगे फिर समय बोलेंगे मिनट को। लेकिन इंग्लिश में जस्ट इसका उल्टा होता है, इंग्लिश में पहले आप बोलेंगे मिनट, इसके बाद बोलेंगे घंटा। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो यहाँ 8:15 लिया तो पहले आप इसको लिखोगे मिनट को लिखोगे, तो 15 मिनट में इसका मतलब ये मैंने बताया आपको गणित लगा करके कि 15 मिनट माने क्वार्टर, चौथाई है 60 का, अर्थात क्वार्टर हो जाएगा। तो मिनट को आप लिखेंगे 8:15 माने 15 मिनट को लिखोगे क्वार्टर, QUARTER, इट इज क्वार्टर। अब फ्रेंड्स 8:15 जी समझिएगा, 8:15 तो इट इज क्वार्टर। अब 8:00 के माने 15 मिनट ज्यादा हो रहा है ना, तो पास्ट माने होता है बज कर, भी आपको बताया मैंने। तो आप लिखोगे इट इज क्वार्टर पास्ट 8, या तो आप गिनती भी लिख सकते हो, यदि आप चाहें तो 8 o'clock भी लिख सकते हो भाई, जैसा आप चाहें। इट इज क्वार्टर पास्ट 8 o'clock, सीधे आप शॉर्ट बोलना चाहें तो इट इज क्वार्टर पास्ट 8, इट इज क्वार्टर पास्ट 2, क्वार्टर पास्ट 3, 3:15, 4:15, quarter past 4, quarter past 5। तो जितने आप क्वार्टर पास्ट कर देंगे इसके बाद जो भी लिख देंगे तो उतना बजे सवा हो जाएगा, 2:15, 4:15, 5:15, 9:12, जो भी आप बजाना चाहोगे तो सब 1:15, 2 हो जाएंगे, चाहे जितना सवा कर दीजिए। अरे जुलाई जितनी मर्जी हो उतने सवा को आप जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 1:15। अब आइए आपको मैं दिखाता हूँ 8:30, 8:30 हैं। अब इसको आप कैसे जोड़ेंगे, तो फ्रेंड्स 8:30 को भी पुनः आप वही स्ट्रक्चर लिखेंगे। पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या होगा भाई, इट इज 8:30 माने 8:30। तो इंग्लिश एक्सप्लेन में अभी मैंने आपको बताया कि आप पहले लिखेंगे मिनट को, तो 30 मिनट को लिखिए, 8:30 हुए तब तो 8:30 होंगे, 8:30। तो आप लिखोगे इट इज 1/2, इट इज 1/2 past 8। फ्रेंड्स इट इज ये हुए हैं, 1/2 माने आधा, 30 मिनट, पास्ट माने 8:30, अर्थात 8:30 हुए हैं, जिसको हिंदी में हम 8:30 कहते हैं, इट इज 1/2 past 8। फ्रेंड्स क्रम होता है 8, 8:15, 8:30। अब बात होती है 8:45 की, 8:30 बाद यही बजता है, 8:45 है। अब आप कैसे बजाएंगे 8:45, 8:45 का मतलब होता है मित्रों कि 8:45, ध्यान समझिएगा, 8:45। तो 8:45 मीन्स 8:45 हो जाएगा, तो आप लिखोगे इट इज, और देखिए
8:45 का मतलब हुआ कि 9:15 कम, ये पौने नौ होगा ना, 9:15 कम। तो एक इज 15 मिनट पहले क्वार्टर, तो आप लिखोगे क्वार्टर, इट इज क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 15 मिनट क्या है कम है। अभी मैंने आपको बताया कम के लिए आप लिखोगे टू, तो इट इज क्वार्टर टू नाइन। अगर लिखना चाहे तो आप 2 o'clock लिख सकते हो, या नहीं लिखना चाहे तो कोई बाध्यता भी नहीं है जी। इट इज क्वार्टर टू 9 o'clock फ्रेंड्स। क्वार्टर टू, टू माने कम, क्वार्टर माने 15 मिनट कम है, 9 o'clock पर 9:15 कम है, तो आप कहोगे इट इज क्वार्टर टू 9 मीन्स 9:45। फिर यही क्रम आएगा, हम कहेंगे 9:45 बाद 9 बजे है, फिर कहेंगे वही इट इज 9 o'clock, इट इज क्वार्टर पास्ट 9, इट इज हाफ पास्ट 9, फिर 9:45 आ जाएगा इट इज क्वार्टर टू 10। बात समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये क्रम चलता है 15 मिनट में 15 मिनट के अंतराल में हम 8, 8:15, 8:30, 8:30 और 9:15 की बात करते हैं। इसके बाद मैं आपको छोटे से 2 टिप्स और दे देता हूं। देखो मैं चाहता हूं अगर आप लोग शांति के साथ पढ़ेंगे तो मैं आपको वो चीज दूंगा जो हर जगह नहीं मिलेगा, ये मेरा चैलेंज है। लेकिन शोर शराबा करोगे तो फिर कभी कभी भाई मेरा भी मन विचलित हो जाता है, आखिर मैं भी तो आपकी तरह, मेरे पास भी मेंटलिटी है, मुझे भी कोई चीज़ अच्छी या बुरी लगती है। तो आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो मैं आई विल सपोर्ट यू, यदि नहीं तो डिसलाइक, यू मे बी डिसलाइक्ड बाय मी। तो फ्रेंड्स अब हम आपको जोड़ते हैं छोटे वाक्यों से। तीसरे कहना आपको है कि अभी 4:05 हुए हैं, अभी 4:05 हुए हैं। अब इसको आप कैसे जोड़ेंगे जरा बनाइए। बहुत देर से आप लोग बात जल्दी जल्दी भेज रहे हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स एक इसका भेज दीजिए जल्दी से, बहुत जल्दी भेजिए, बहुत देर से आप लोग लिख रहे हैं भेज रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद देना तो भूल ही गया था, मैं पढ़ाने में बिजी था। तो सभी साथियों को धन्यवाद। ये बात आपके सामने लिखा है अभी 4:05 हुए हैं, तो जल्दी से भेज दीजिए भाई, मैं जरा आंसर देख लूँ, पढ़ लूँ उत्तर क्या लिख रहे हैं। जी जी जल्दी करो बेटा, टाइम कम है। मैं आपको जो ये लाइव क्लास के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ, आपकी शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद देने का प्रयास करता हूँ। तो फ्रेंड्स आपके सब एक्साइटमेंट है, ये आपके लिए उत्तेजित एक उत्तेजना के बहुत बड़े कैप्सूल है। तो मैंने अभी आपको दिया, इस समय 4:07 हुए हैं, 4:05 हुए हैं जी। देखिए हमारे साथियों ने कुछ कमेंट भेजा है। जी जी डॉक्टर पांडे जी थैंक्स, गुड इवनिंग टू यू, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आज मैं लाइव के माध्यम से अपने सभी लाइव परिवार को टाइम समय सूचक वाक्यों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, इन्हें कुछ सिखाने के लिए स्क्रीन पे लिखा हुआ एक वाक्य दिख रहा है अभी 4:05 हुए हैं। तो साथियों हम इसको शुरू करें, इसके पहले एक बार पुनः इस सायंकालीन लाइव परिवार को इस लाइव क्लास के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप लोग जो अंत तक जिस उत्तेजना और उत्साह के साथ लगे हुए हैं, अपने अमूल्य समय को दे रहे हैं, इसकी मैं भूल भूल प्रशंसा करता हूं। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही, कुछ डाटा खोएंगे, कुछ टाइम खोएंगे तो आपको कुछ मिलेगा भी। सर नमस्ते, सर सर गुड इवनिंग, थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी आपके आ जाने से एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपके आशीर्वाद और इंजेक्शन से बस लगा हूँ बच्चों की सेवा में कि इनको कुछ लाभ मिल जाए जैसे भी हो। तो सर थैंक्स, गुड इवनिंग सर। और सर एक वाक्य मैं आपको इनको दे रहा हूँ,
कि बच्चों को आज हम पढ़ा रहे हैं घड़ी में समय देखना, कि समय को आप टाइम घड़ी को देख करके हाउ टू टेल द टाइम, समय को बाय विच वे यू हैव टू एक्सप्रेस द टाइम दैट व्हाट इज टाइम बाय माय वॉच। तो फ्रेंड्स ये बात सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सर मैं मन इनको 8:15, 8:30, 8:45 तक पहुँच गया। अब आ रहा हूँ छोटे टाइम पर, क्योंकि भैया 4:05 हुए हैं, ये आपको कहना है। इस समय 8:10 हो रहा है मेरे घड़ी में। तो फ्रेंड्स ऐसे बातों को कहने के लिए किस तरह से हमारे बालक, ये हमारे शिष्य जो मेरे साथ लगे हुए हैं, किस तरह से उसको एक्सप्रेस करेंगे, ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सर आशीर्वाद बनाए रखिएगा, थैंक्स। तो साथियों अभी 4:05 हुए हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। तो इस 4:05 हुए हैं ना, इनको बताने के लिए भी मैंने आपको पहले ही कहा कि हिंदी में फ्रेंड जब हिंदी में हम कोई चीज यूज करते हैं तो हमको पहले हम घंटे की बात करते हैं तब मिनट की, क्योंकि 8:05 हो रहे हैं। इसीलिए तो हमने हिंदी में लिखा है 4:05। अभी 7:15 हुए हैं हमारे, 7:15 हुए हैं, 3:25 हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स हिंदी में हम बात करते हैं पहले घंटे की, इसके बाद मिनट की, लेकिन जस्ट अपोजिट होता है इंग्लिश में। जब इंग्लिश वर्जन में हम चलते हैं तो फ्रेंड्स पहले हम मिनट को लिखते हैं, इसके बाद लिखते हैं घंटे को, ये कॉन्सेप्ट आप रखिएगा। और जो हमारे साथी बाद में जुड़े हुए हैं, इस समय घड़ी में समय देख के बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो ही क्लास बंद होगा, आप आराम से इत्मीनान से लेटे लेटे बैठ के वीडियो को एक दो बार जरूर वॉच कीजिएगा, तो निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ताकि कल से आप जब भी टाइम बताएंगे तो इंग्लिश में बताएंगे, ये मैं अपेक्षा करूंगा आप सभी साथियों से। तो आइए जुड़ते हैं फ्रेंड्स। अभी 4:05 हुए हैं, समय सूचक वाक्यों के लिए हम पहले लिखते हैं इट। इट के बाद हेल्पिंग वर्ब, आप जैसा जानते हैं कि ही से इट सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट हैं, एक वचन के कर्ता है, इसलिए इनके साथ हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग, इट इज। और अभी जस्ट नाउ, अभी 4:05 हुए हैं, जिसमें पूछा आपने टाइम, मैंने कहा जस्ट सर अभी 4:05 हो रहे हैं, तो इट इज आप लिख लेंगे, क्योंकि समय के लिए लिखना मस्त है। अब 4:05 पहले आप 5 मिनट को लिखेंगे, क्योंकि टाइम बताया इंग्लिश में, पहले मिनट लिखेंगे, क्योंकि फाइव, इट इज फाइव। देखिए मैं स्टार्ट में आप बताएंगे तो आप 5 मिनट्स लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें इट इज 5 मिनट्स, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। 4:05 लिया है, इसलिए फाइव पास्ट, पास्ट माने बज करके, 5 मिनट बजकर 4 हुए हैं, तो 4:00 लिखेंगे आप, तो लिखेंगे 4:04, इट इज 5 मिनट्स पास्ट 4:00, पास्ट 4:00, 5 मिनट बजे हैं बज करके, माने 5 मिनट हो चुके हैं, 4:00, 4:00, माने 4 बजने के बाद भी 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं, आगे बढ़ गया है। अगर फ्रेंड्स यही कहना है कि 4 बजने में 5 मिनट कम है, और आगे आप अभी के लिए जस्ट नाउ या एट नाउ का भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी 4 बजने में 5 मिनट कम है, अगर हमें कहना है कि 4 बजने में 5 मिनट कम है, देखिए मैंने अभी आपको जोड़ा कि 4 बजने में 5 मिनट कम है। फ्रेंड्स बस थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको इंडिकेट किया था कि जब किसी चीज में समय के संदर्भ में कम की बात की जाए तो आप 2 का यूज करेंगे। तो 4 बजने में 5 मिनट कम है, पहले आप समय के लिए लिखेंगे सब्जेक्ट इट इज, अब मिनट पहले हम लिखेंगे इसलिए मिनट हो जाएगा 5, इट इज 5। मैंने अभी आपको कहा कि मिनट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल इंग्लिश शार्ट बोलते हैं लोग, और शार्ट फैशन के अंदाज में थी 5, और हर व्यक्ति जानेगा कि 5 करें तो 5 घंटे नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति, अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति पहले मिनट बोलेगा, जो अंग्रेजी समझता है और समझेगा पहले मिनट ही बोला जा रहा है। इट इज 5 मीन्स 5 मिनट। अब कम है कितने बजने में, 4 बजने में, तो इट इज 5:04। यदि आप चाहें तो मिनट्स लिख सकते हैं, कोई परहेज नहीं है,
इट इज 5 मिनट्स to 4 o'clock, माने 4 बजने में 5 मिनट कम है, लेकिन फ्रेंड्स मॉडर्न फैशन में, मॉडर्न स्पोकन में लोग यूज करते हैं सीधे इट इज 5 to 4, तो लोग समझ जाएंगे ऑलरेडी पहले मिनट आया है, 5 मिनट है, माने 5 मिनट, 2 मीन्स कम 4, इट इज 5 to 4, माने 4 बजने में 5 मिनट कम है, 3 बजने में 2 मिनट कम है, तो इट इज 2 to 3, 10 बजने में 15 मिनट कम है, चलिए जरा बनाइएगा आप लोग, 10 बजने में 15 मिनट कम है, वाक बनाइए मेरे साथ, 10 बजने में 15 मिनट कम है, जल्दी से मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा कर रहा हूं मित्रों, अविलंब आप लोग जल्दी से बना दीजिए जरा, मैं कमेंट पढ़ता हूं तब तक। जी जी थैंक्स विकास जी, जी रिवानी लिखो बेटा, बहुत बढ़िया, थैंक्स थैंक्स जी अनप्रिया, लिखो बेटा इट इज 5, बहुत बढ़िया, 8 लिखी हो, 2 लिखी हो अनप्रिया जी, क्या लिख रही हो, चलिए मैं आपको जोड़ता हूँ, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, बिल्कुल अभी कुछ साथियों ने और भेजा है कमेंट, जरा देखिए तो, जी बेटा संजू केसरी क्या लिखी हो, इट इज 4 past 5 to 2 o'clock, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्यूट बॉय डॉक्टर साहब, आपने क्या लिखा, समझ में नहीं आ रहा है, जी बिल्कुल मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब वेट कीजिए प्लीज, जी अनप्रिया जी थैंक्स, वेरी गुड, चलिए ठीक है मैं समझाता हूँ, वेट कीजिए प्लीज, वेट जस्ट अ मिनट एंड बी लाइव विथ मी, आपकी समक्ष वाक्य लिखा है फ्रेंड्स, 10 बजने में 15 मिनट कम है, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट मेरे साथ कीजिए, पेन कॉपी को आराम से रख दीजिए, पेन की जरूरत नहीं है, केवल आप दिमाग मेरे साथ भेज दीजिए इस लाइव क्लास में, बिल्कुल लाइव मीन्स फ्रेंड्स यही होता है, लाइव क्लास का मतलब लाइव मीन्स जीवित, जीवन, हम लोग बिल्कुल सजीव जहां भी हैं क्लास में, जिस तरह से एक अध्यापक क्लास में होता है, तो आप सभी साथी गण मेरे सामने हैं, मैं आपके समक्ष हूं, कौन जी सर, जी सौरभ मिश्रा सर जी, क्या लिखा है आपने गुरु जी, थैंक्स जी थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद, लेकिन सर मॉडर्न फैशन में उसके लिए थोड़ा सा एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आपने बहुत सही लिखा, आप इंजीनियर हैं, अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं गुरु जी इंडिकेट करना चाहूँगा, आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहूँगा कि इसका एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है इसमें, अनुवाद बिल्कुल ट्रांसलेशन गुरुदेव आपने सही लिखा है, लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, थोड़ा सा आशीर्वाद बना रखिए, सर लिख रहा है 10 बजने में 15 मिनट कम है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, 10 बजने में 15 मिनट कम है, इसका मतलब हुआ कि 9:45, यही हुआ मैं तो, आजकल देखिए फैशन का समय है, फैशन में अगर आप मेरी तरह रहेंगे ना बिल्कुल सिंपल वे में तो काम चलने वाला नहीं है, आप लोगों को एक स्मार्टनेस चाहिए, तो स्मार्ट युग में एक इंग्लिश ही आपको स्मार्ट बनाएगी, तो फ्रेंड्स ऐसे स्मार्ट टाइम में स्मार्ट लैंग्वेज का प्रयोग आप करोगे, थोड़ा स्मार्ट माइंड भी आपको रखना होगा, तो 10 बजने में 15 मिनट का मैं इसका मतलब टाइम रहा बच्चों 9:45, अभी भी जस्ट मैंने इसको हम हिंदी में कहते हैं 9:45 को 9:45, अभी 9:45 हैं, तो बस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट इट इज, अब 9:45 को फैशन के अंदाज में क्वार्टर, इट इज क्वार्टर, पहले हमने कहा मिनट लिखेंगे ना, तो मिनट हमने लिख दिया 15 मिनट के लिए, इट इज क्वार्टर, अब कम होने के लिए आपको बताया गया कि 2 लिखेंगे, इट इज क्वार्टर टू, कितने बजने में 15 मिनट कम है, 10, तो क्वार्टर टू 10, यदि आप चाहें तो 10 o'clock इस ढंग से भी लिख सकते हैं, इट इज क्वार्टर टू 10 o'clock, मैंने 15 मिनट कम है 10 बजने में, इस ढंग से आप एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और क्वार्टर टू 10 o'clock फ्रेंड्स नई स्टाइल है, बाकी भी जो हमारे सर ने लिखा
इट इज 15, वो भी ठीक है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, एक भी पूरे पूरे अंक मिलेंगे आपको। लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट इसमें, आप स्मार्ट बनने के लिए कुछ स्मार्ट लैंग्वेज का भी प्रयोग करेंगे तो बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स इस ढंग से टाइम मेरा ओवर हो रहा है, 8:25 हो रहे हैं। अब इसके यही आप होमवर्क करके भेजिएगा कि इस समय 8:25 मेरे घड़ी में है, मेरे घड़ी में 8:25 हो रहा है, ये आप लोग जल्दी से करके भेज दीजिए। और मैं आपको अपने सभी साथियों को अपने लाइव क्लास के माध्यम से जुड़ने के लिए, आप अपने अमूल्य समय को देने के लिए इस सायंकालीन लाइव क्लास में आप सभी पाठकों का स्वागत करते हुए, आप सभी लोगों के मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए आज का यह वीडियो लेक्चर मैं बंद करता हूं। पुनः कल आपसे हम मिलेंगे इसी टाइम, माने लगभग 7:25 से 8:25 के बीच। तब तक साथियों, जय हिंद, जय भारत, सर नमस्ते।